हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ मेकअप लुक। आप इस लुक को आराम से कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप करवा चौथ पे ये करो, आप वेडिंग गेस्ट में भी ये कर सकते हो। और अभी नवरात्रि का सीजन स्टार्ट होने वाला कल से है, तो फिर आप नवरात्रि में भी इसे कर सकते हो। जब भी आप चाहो तब कर सकते हो। ऐसा मैंने आई लुक रखा हुआ है कि आप कभी भी किसी भी ड्रेस के साथ कर सकते हो। गोल्डन आई मेकअप लुक है तो बहुत आराम से आप कर सकती हो। चलो देख लेते हैं वीडियो कैसे कैसे मैंने किया है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा मैंने लिया गुड वाइब्स का ये ग्रीन टी टोनर, और इसे मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। इसे अपने फेस पे मैं डैब डैब करके ऑब्जर्व कर रही हूँ ताकि मेरी स्किन जो है बहुत अच्छे से हो जाए। और उसके बाद मैंने लिया गुड वाइब्स का ये रोजहिप सीरम, और इसे मैं 2-4 ड्रॉप लिख के अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद इसे मैं अच्छे से मसाज करूँगी अपने फेस पर ताकि ये अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए और मेरे फेस को अच्छे से ये हाइड्रेट कर दे। टोनर और इस ये सीरम लगाना हमारे लिए स्किन जरूरी है। वैसे हमें मतलब नहाने के बाद अपना स्किन केयर करना जरूरी है, दोनों टाइम, शाम और दिन, सुबह और शाम को दोनों टाइम जरूरी है। तो मैं मेकअप करते टाइम, जब मैं मेकअप करती हूँ तो भी मैं स्किन केयर कर लेती हूँ, अच्छा लगता है और आपको दिखाना भी जरूरी होता है। उसके बाद मैंने लिया है मॉइस्चराइजर के लिए पॉन्ड्स का ये, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और फिलहाल ये सबको पसंद है और अफोर्डेबल भी है। ये मेरा बड़ा पैकेट टब है तो ये मुझे मिला था 300 के अराउंड, बट आपको 250 या 300 के अराउंड में मिल जाएगा तो आप ले सकते हो। बड़ा वाला है ये, गलती से मैंने बड़ा ऑर्डर कर दिया था, तो अच्छा है। आप एक बार ले लेते हो तो काफ़ी टाइम तक आपके लिए हो जाता। मैं तो ऐसे भी हमेशा यूज़ करती रहती हूँ। उसके बाद मैंने लिया है ये प्राइमर जो कि ब्लू हेवन का प्राइमर है, और पता नहीं शायद मैं पंखा चला रही के बैठी हूँ इसलिए या कुछ पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा ट्राइपॉड थोड़ा सा हिल रहा था और बैकग्राउंड आपको हिलता हुआ दिख रहा होगा क्योंकि मैंने जो पीछे डाला हुआ है सेट किया है वो भी हिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एडिटिंग में दिक्कत है, ये पीछे के बैकग्राउंड जो है हिल रहा है वो पंखे की वजह से हिल रहा है, तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद मैंने लिया है फाउंडेशन जो कि फिट मी मेबलिन फिट मी का, और ये शेड अच्छा है और ये फाउंडेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, जिस मतलब इसके बारे में जितना भी ज़्यादा सुना था उतना ये मुझे अच्छा लगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है ये। अगर आप लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, एक अच्छा सा फाउंडेशन अगर आप ही लेना चाहती हो तो ले सकते हो, इससे बहुत अच्छा है। ऐसे काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी लेकिन नहीं ले पा रही थी और अब ले लिया है तो मैं इसे बहुत खुश हूँ। वर्क बहुत अच्छा करता है, तो आप देख सकते हो एक मतलब बस इतना हुआ कि ये मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइट है, 1-2 टोन लाइट है, तो अगर ये मेरी स्किन के बराबर मतलब टोन का होता तब ये मेरे लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कुछ इस टाइम पे मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक से हो भी गई है और ये शायद मेरे लिए इस टाइम पे सूट नहीं कर रहा, थोड़ा सा वाइट वाइट लगता है। लेकिन सेट करने और ये सारा मेकअप लुक मतलब सेट जब पूरा कर लेती हूँ तभी मुझे सही लगता है, अभी तो बहुत ज़्यादा वाइट वाइट लग रहा है। उसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर, और इसे मैं अपने आईज के नीचे और आईलेट पे जहाँ जहाँ पे हमें हाईलाइट करना है वहाँ पे मैं इसे अप्लाई करूँगी। पहले मैं इसे लगा लूँगी इसे, और उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से या फिर ब्रश से आप जिससे भी चाहें ब्लेंड कर सकते हैं। तो इस टाइम पे मेरे फेस पे ना कई जगह पे कुछ अजीब से दाग धब्बे हो गए हैं तो उन्हें हाइड करना है। नोज़ पे आपको अलर्ट ज़रूर करना है तभी आपके नोज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी। उसके बाद मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से डैब डैब करके ब्लेंड कर रही हूँ, और मेरे बैकग्राउंड में अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैंने लिया रोज़ पाउडर लक्मे का, उसके बाद इसे मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ पूरे फेस को। ये अभी तो गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, वैसे अभी गर्मी मतलब गई नहीं है, गर्मी है सारे जगह पर गर्मी है,
तो आप देख सकते हो अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। कभी कभी होता है कि मैं आई मेकअप कर लेती हूँ उसके बाद आईब्रोज को फिल करती हूँ, पता नहीं क्यों मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बोलने लगी हूँ, लेकिन आज मुझे याद है तो मैं सबसे पहले आईब्रोज को फिल करूँगी, उसके बाद आगे का आई मेकअप या जो भी होगा वो करेंगे। तो मैं अच्छे से अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, और अभी तो मुझे ये पाउडर से ज़्यादा अच्छा लगता है आईब्रोज सेट करना। दोनों इस पे सेम तरीके से मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का ये आई शेडो पैलेट, उसमें से मैं ये ट्रांजेक्शन से लेके अपने क्रीज के ऊपर तक मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी, और क्रीज पर ज़्यादा ध्यान देना है। और आप देख सकते हो ये ऑरेंज शेड में कुछ है, तो आप चाहो तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लीजिएगा पैलेट। मैं अच्छे से लेके मैं जो सेट चाह रही थी जैसा लुक करना चाह रही थी वैसे, जब तक मुझे मिल नहीं जाएगा तब तक मैं इसे 2-3 बार इसे अच्छे से लेके ब्लेंड करूँगी बराबर। उसी में से एक डार्क शेड लेके मैं अच्छी तरह से क्रीज पर लगा रही हूँ, और इसे अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ, दोनों शेड को मिक्स कर रही हूँ। डार्क ब्राउन शेड है वो मैंने लिया है। उसके बाद ये सेट आप देख सकते हो, ये सेट में लेके अपने आईज के इनर कॉर्नर पर, सॉरी आउटर कॉर्नर पर इसे ज़्यादा डार्क फोकस कर रही हूँ, ताकि ये ऐसा करने से आपके जो आईज होती है थोड़ी सी और ज़्यादा बड़ी दिखती हैं, तो इसीलिए मैं ये सेट लगा रही हूँ डार्क ब्राउन शेड। इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ क्रीज तक ले जाके, अंदर की तरफ में से ले जाके ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया ये हाल पर आपका आई शेडो पैलेट, उसमें से गोल्डन शेड लेके मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी पूरी आईलिड पे। फिंगर से नहीं हो रहा था तो मैं ब्रश से कर रही हूँ, मतलब फिंगर से आपका जो आई शेडो होता है बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन कुछ जगह पे होती है कि आपके फिंगर से नहीं बनता है, तो आप वहाँ पे ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने वाइट काजल लिया है एनवावे का, और इस टाइम पे मेरा ना सर पे मतलब भूत चढ़ा है वाइट काजल लगाने का, लेकिन ये काजल अच्छा तो है लेकिन इसे लगाने मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि मैं ऐसा इसे मतलब साफ नहीं कर पा रही हूँ सही से, पता नहीं क्यों, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन मुझे लगाना ही है तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि लग जाए ये सही से। तो 2-3 बार कर लिया तो उसके बाद अच्छा सा ये दिख रहा है। उसके बाद मैंने लिया मेबलिन का ये लाइनर, और उसे मैं एक विंग निकाल के आईलाइनर लगाऊंगी। मुझे थोड़ी सी बड़ी बड़ी आंखें अच्छी लगती हैं, और आई लुक अच्छा लगता है जब मैं विंग बनाती हूँ आईलाइनर, तब आईलाइनर से, और अब क्या आईज होती है ना थोड़ी सी और बड़ी दिखती हैं। तो उसके बाद मैंने अपनी आईलाइस को कर्ल कर लिया है। उसके बाद मैंने मस्कारा लिया मैबलिन का, और ये आपकी पलकें जो है ना थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी मतलब बड़ी बड़ी बना देती है, वॉल्यूम दे देती है आपकी आईलाइस को, और कर्ल कर लेते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है सोने पर सुहागा की। तो आप कर्ल कर लीजिए उसके बाद ही मस्कारा अप्लाई करिए, तब और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपकी आईलाइस, और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैंने वैसा कर लिया है, सो मैंने दूसरे आईज पे भी सेम मेकअप कर लिया है, लुक कर लिया है। उसके बाद मैं आए अपने वाटर लाइन के नीचे आ गई हूँ, मेकअप कर रही हूँ, तो जो सेट मैंने ट्रांजेक्शन सेट लिया था सेम सेट मैं लेके अपनी वाटर लाइन के नीचे स्मर्श कर रही हूँ अच्छी तरह से। आप जो भी सेड ऊपर अप्लाई करें वही सेड आप नीचे भी अप्लाई करें, नहीं तो आपकी आईज हो थोड़ी सी अधूरी अधूरी लगती हैं, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा अधूरी लगती हैं, तो आप इसे मत स्किप करिएगा। उसके बाद मैंने लिया गोल्डन सेड और उसे लगा लिया इनर कॉर्नर के साइड में अच्छे से, दोनों आईज पे उसी तरह से मैंने कर लिया है। आप देख सकते हो अच्छी तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद हाइलाइटर लगा लिया है इनर अपनी इनर कॉर्नर पर, और ये स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर पैलेट है, देख सकते हो
इसमें ब्लश और हाइलाइटर दोनों मिलता है आपको, तो इससे आपकी आईज जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। आप देख सकते हो थोड़ी सी बड़ी बड़ी दिख रही हैं आपकी आईज, तो इसीलिए। उसके बाद हाइलाइटर लगा लिया अपने आईब्रोज को हाईलाइट करने के लिए आईब्रोज के नीचे। उसके बाद ब्राउजिंग कर लिया है मैंने थोड़ा सा। वैसे मेरा फेस बहुत ज़्यादा पतला है और बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अच्छा लगता है और शेप भी मिल जाता है। इतना कुछ लगाया उसके बाद ब्राउजिंग कर लो या कंट्रोल कर लो तो आपका जो फेस का जो कट होता है वो पता चलता है, तो अच्छा लगता है। तो आप भी कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर है आप करना चाहते हो या नहीं। फेस कंटूर ब्राउजिंग करना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने अपना फोरहेड और चीक बोन पे कंटूर कर लिया है ताकि मैं एक शेप मिल जाए। नोज़ भी कर लिया है। नोज़ पे कंट्रोल करने से होता है क्या कि आपकी जो नोज़ होती है थोड़ी सी पतली और सॉफ्ट दिखती हैं, तो इसीलिए नोज़ कंट्रोल भी करना ज़रूरी है। मैं ब्रश से ही ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद ब्लश अप्लाई कर लिया है सेम पैलेट से ही, स्विस ब्यूटी का पैलेट जो आपको दिखा है वही, उसी में शेड मिलता है। 6 शेड आपको मिल जाते हैं, ब्लश और 2 हाइलाइटर, तो उसी में से थोड़ा सा ऑरेंज शेड है ये, देख सकती हो। आपको ये लुक कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाइलाइटर लगा लिया है, जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत है आप लगा सकते हो। मैंने चिक बोन पे, नोज एरिया पे और फोरहेड पे, आईब्रोज के नीचे पहले से मैंने लगाया हुआ है, क्यूपिड बोर्ड पे। तो जहाँ पे आपको ज़रूरत लगी, आपको हाइलाइटर लगाना अच्छा लगता है, आप वहाँ पे लगा सकती हो। जहाँ जहाँ पे मुझे अच्छा लगता है मैं वहाँ पे लगा रही हूँ। और नेक पे भी लगा लिया है मैंने, क्योंकि दिखता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने लिया ब्लू हेवन का ये लिपस्टिक, और ये शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी फेस्टिव सीजन में ना रेड कुछ भी समझ ना आए कि कौन सा शेड लगाओ, तो आप रेड लगा सकती हो, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है मेरे लिए। मैं इसे लगा रही हूँ और इस लुक में ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद मैंने लिया स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर, उससे मैं अपने पूरे मेकअप को सेट कर लूँगी। देन रहा ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप गाइस आप सबको ही मेरा मेकअप लुक पसंद आया हो, आपका आज का मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया हो। अगर पसंद आया प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव।